हाय गाइस, माय सेल्फ आशीष कुमार सिविल इंजीनियर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेलो सर। आज के वीडियो में हम देखेंगे किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन में कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी जो फाउंडेशन का डिटेल प्लान होता है मेरा, उसमें कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कीजिएगा आरसीसी वर्क के लिए। तो आइए हम उसका आज कैलकुलेशन देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा फाउंडेशन का डिटेल प्लान दिया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं 3 इंच आपका ब्रिक फ्लेक्स, ये आपका सेंट फिलिंग है, 3 इंच का आपका ब्रिक फ्लेक्स होलिंग है, 4 इंच का आपका पीसीसी का वर्क किया गया है। इसके बाद जो फाउंडेशन का डिटेल दिया गया है, ये आपका आरसीसी का वर्क किया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर शेप का आपका 0.5 फीट है और आपका ट्रेपेजियम शेप में जो 1 फीट तक है, उसके बाद आपका 2.50 फीट तक जो है कॉलम, फिर यहाँ 10x10 का लिया गया है। ये जो आपका पूरा फाउंडेशन है वो 5 फीट बाई 5 फीट का है, जिसमें हम देखते हैं कि आरसीसी का वॉल्यूम इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस पोर्शन के लिए ये पोर्शन देखेंगे और ये पोर्शन, क्योंकि ये मेरा आरसीसी का वर्क हुआ है। तो आइए हम इसका कैलकुलेशन देख रहे हैं। हम जानते हैं कि ये पूरा जो ब्रेथ लिया गया है वो आपका 5 फीट है पूरा ब्रेथ, लेकिन जब आरसीसी का वर्क के लिए यहाँ कैलकुलेट किया जाता है, एक 3-3 इंच जो है दोनों साइड छोड़ दिया जाता है, जिसमें हम 4.5 फीट ही कंक्रीट वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं। तो आइए कैलकुलेशन देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए आरसीसी फाउंडेशन। आप देख रहे हैं कि ये पिच जो दिया हुआ है कितना है आपका 4.5 इंटू, आप देख रहे हैं 1 कॉलम के लिए, तो 1 लिखेंगे 4.50 इंटू कितना फिट तक ये लिया गया है 6 इंच, यानी 0.5 फीट तक। तो ये इसका कैलकुलेशन जब करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये डाटा आपका जाता है 10.125 क्यूबिक फीट। सेकेंड हम देख रहे हैं ये जो ट्रेपेजियम शेप दिया हुआ है उसके लिए हम कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे, जिसके लिए क्या हो जाएगा, 1 कॉलम के लिए कर रहे हैं 1 गुने, ये आप देख रहे हैं 4.50 उसका साइज है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ये जो है आपका कितना है 10x10 इंच का कॉलम है, ये आपका कितना हो जाएगा 10 इंच, यानी 10 इंच को जब फिट में चेंज कीजिएगा तो आपका आएगा 0.83 का स्क्वायर। अब बट्टे में क्या होता है 2, यानी गुने आप कर दीजिएगा 1/2 और गुने, आप देख रहे हैं कि ये कितना फिट तक लिया गया है, 1 फिट तक लिया गया है, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 फिट। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद ये डाटा जो आपका आ जाता है 10.47 क्यूबिक फीट। इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम इसके लिए कंक्रीट का वॉल्यूम, ये हम देख रहे हैं कि 2.50 फीट तक जो है 10x10 इंच का कॉलम है, इसके लिए कंक्रीट वॉल्यूम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 × 0.83 × 0.83 × 2.50। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो डाटा है वो आपका जाता है 1.72 क्यूबिक फीट। इस टाइप से हम प्रत्येक स्टेप में कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम, टोटल आरसीसी वॉल्यूम कितना आएगा। ये टोटल जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल आरसीसी वॉल्यूम जो है वो आपका आ जाता है 22.317 क्यूबिक फीट। तो इस टाइप से आप किसी भी फाउंडेशन का जो है कंक्रीट वॉल्यूम आरसीसी वर्क के लिए निकाल सकते हैं।